यू ऑल एस्पायरिंग राइटर्स, आज जिस विषय पर मुझे वीडियो बनाना है वो वीडियो का टॉपिक है कि लिखना जरूरी क्यों है। लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि माइंड जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव होता है, वो सोचता है उसके बाद उसको टेम्पररी फाइल में डाल देता है और वो आगे बढ़ जाता है। आपकी सोच आगे बढ़ जाती है, आप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने वो टेम्पररी फाइल में डाला था, टेम्पररी मेमोरी में डाला था, तो वो कहीं ना कहीं इरेज हो गया। जब आप लिखते हैं, उस पर टाइम बिताते हैं, बैठते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है बातें। आप जब गहराई से उस पर वक्त बिताते हो, चिंतन करते हो, तो आपकी बार बार जब लिखते हो और पढ़ते हो तो वो टेम्पररी मेमोरी से आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। मैं आपको उत्तम सिंह जी का आज एग्जाम्पल दूंगा। आपको पता ही है, सभी को उत्तम सिंह जी जो है एक रिनाउंड म्यूजिक कंपोजर हैं, अरेंजर हैं, हमारी सारी फिल्में उन्होंने की हैं। सब उनके बारे में आपको बताता हूँ कि जब हम घर जाते हैं तो एक फोल्डर निकालते हैं, वो फोल्डर मुझे बोलते हैं कि ये फोल्डर 1960 का है, ये 1963 का है, ये 70 का है, ये 79 का है, और उसमें सारे म्यूजिक के नोट्स लिखे हुए हैं। फिर वो बैठकर उनको गुनगुनाते हैं और फिर बोलते हैं, यार ये देख, ये बड़ी अच्छी धुन है। अगर वो लिखते नहीं तो पता कैसे चलता। सो मेरा ये कहना है दोस्तों कि जब आप लिखोगे ना, और एक काम करना, लिखने के बाद इसको फाड़कर फेंकना मत, लिखना और लिख के एक जगह स्टोर करना। सो जब आप लिखोगे, हो सकता है कि यहां आज से आगे आपको लिखना ना आया, कोई बात नहीं ना। अगर आपको यहां से आगे लिखना नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आप एक काम करिए, रुक जाइए, आज मत लिखिए। आप 2-4 दिन बाद जब आपका अंदर का प्रोसेसर उस पर काम करेगा, हो सकता है कि रात को 3-4 बजे आपको फिर से स्ट्राइक हो और फिर आप उससे आगे का लिखना शुरू करें। सो लिखना इसलिए जरूरी है कि जो लिखा है उसके भाव बदलने जाएं, उसकी फीलिंग्स ना बदल जाए, वो थॉट ना बदल जाए। तो इसलिए आपको लिखना जरूरी, ताकि आपको पता रहे कि आप किस रास्ते पर जा रहे हो, आपकी स्टोरी क्या कहना चाहती है, स्टोरी किस विषय पर है, इसका प्लॉट लाइन क्या है, इसका कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट क्या है। क्या ये टेक्निकल बात तो मैं आप लोगों को क्लास में डिस्कस करता ही रहते हूं, और इस विषय पर मैं आपको एक और वीडियो जो है वो डिटेल में बना दूंगा। पर इन शॉर्ट यही है कि लिखना इसलिए जरूरी है कि आपके वो परमानेंट मेमोरी में जाए, उसके भाव ना बदलें, और आपको पता रहे कि आप कहानी किस तरफ ले जा रहे हैं। अगर लिखेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। और दूसरी बात, जब आप विचार आपने सोचा और ये थॉट एटमॉस्फेयर से आपके भीतर आया, मतलब गॉड इज सो काइंड कि उसने आपको विचार दिया, आपने विचार ग्रैब किया, अब अगर आप उसको पेपर पे नहीं उतारेंगे तो वो आपका कब तक रहेगा। उसको अपना बनाने के लिए, घोड़े को अपना बनाने के लिए क्या करते हैं, उसी तरीके से स्टोरी को अपना बनाने के लिए उसको पेपर पे उतारिए ना, है ना। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है। डिटेल में इस बारे में फिर एक बार हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्त, मैं नव कुमार राजू, बॉलीवुड अभिनय से। जय हिंद, जय भारत। लाइट्स कैमरा एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके, दिखला देंगे।